देखो, हमने लास्ट टाइम फ्लूइड प्रेशर किया था। फ्लूइड प्रेशर का जो असली कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है। हमने पास्कल लॉ किया जो ये कहता है कि आप एक एंक्लोज फ्लूइड लें, आप एक तरफ से प्रेशर लगाएं फोर्स बाय एरिया, तो आपका जो प्रेशर है वो हर तरफ सेम एक्सपीरियंस होगा। ये हमने डिस्कस किया। तो प्रेशर इज़ फोर्स बाय एरिया। जहाँ पर ज़्यादा फोर्स चाहिए वो पिस्टन बड़ा होता है। एरिया में चेक करें, पिस्टन बड़ा है और ये पिस्टन छोटा है। आप चेक कर सकते हैं, जहाँ मैं फोर्स छोटी लगाता हूँ वहाँ एरिया छोटा है, जहाँ मैं फोर्स बड़ी लगाना चाहता हूँ या मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ वहाँ एरिया बड़ा है। तो ये हमने किया था, दिस वॉज पास्कल लॉ। ठीक, पास्कल लॉ के ऊपर आपको आज एक सब्जेक्टिव शीट मिली है। एक मिनट उसे ओपन करें। पास्कल लॉ में सब्जेक्टिव शीट, फिफ्टी फाइव नंबर शीट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्स बाय एरिया इज अ कॉन्स्टेंट, ये लगाना है। शुरू करें। तो इसमें एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, ये हाइड्रोलिक प्रेस ये होती है जो हमने लास्ट टाइम की थी। यहाँ एक पिस्टन है, ये रहा पिस्टन और ये भी एक पिस्टन है ऐसे। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि यहाँ पर स्मॉलर पिस्टन जो है यहाँ पर है, मान लो इसका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एंड दैट ऑफ लार्जर पिस्टन, बड़े वाला पिस्टन का एरिया कितना है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाउ मच वेट कैन बी रेज्ड ऑन द लार्जर पिस्टन बाय 200 kg फोर्स एग्जर्टेड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। छोटे वाले पिस्टन पे फोर्स मैंने कितनी लगाई, 200 kg फोर्स लगाई, तो बड़े पिस्टन के ऊपर फोर्स ट्रांसफर हो गई। तो लगाओ फॉर्मूला, F1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2। तो निकाल लो जरा, F2 चेक करो क्या आ रहा है, 4400 की वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो फोर्स बाय एरिया कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। बस ये याद रखना, छोटे पिस्टन का एरिया पे छोटी फोर्स है, बड़े पिस्टन पे बड़ी फोर्स है। ठीक है, अरे आंसर, तो यहाँ से वैल्यू पुट, आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप फोर्स को पुट करेंगे 200 kg फोर्स, तो आंसर भी kg फोर्स में आ जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एरिया के यूनिट एरिया से वैसे भी कैंसिल होंगे। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके F2 की वैल्यू निकाल लें और नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एवरेज मास, फिर से हाइड्रोलिक प्रेस है, तो ये फिर से एक पिस्टन बना लेते हैं, एक छोटा बना लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये रहे पिस्टन आपके, और इसमें वो कह रहे हैं कि एवरेज मास दैट मस्ट बी लिफ्टेड, तो जिस मास को लिफ्ट करना होता है उसको राइट साइड पे रखते हैं ये लो। और यहाँ पर फोर्स क्या लगेगी, 80 × 9.8 न्यूटन, ये फोर्स लगा रहा हूँ। रेडियस ऑफ लार्जर पिस्टन, रेडियस जो है वो 5 टाइम्स छोटे पिस्टन का रेडियस है। तो छोटे का रेडियस अगर R1 है, बड़े का 5 टाइम्स R1 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट मिनिमम फोर्स को हम यहाँ अप्लाई करें, F1 की वैल्यू क्या लगाएं ताकि इतना वेट हमसे उठ जाए। तो F1 डिवाइडेड बाई A1 इज F2 डिवाइडेड बाई A2। F1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू R1 स्क्वेयर इज F2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू R2। R2 की जगह 5 टाइम्स R1 का स्क्वेयर, तो F2 की जगह पुट कर देना 80 × 9.8। सॉल्व करके निकाल लो, F1 की वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लो आंसर आ रहा है। ठीक है,
ठीक है आंसर आ रहा है इसमें, अब यहाँ से एफ वन निकाल देना, राइट। ठीक, नेक्स्ट है, इन अ हाइड्रोलिक प्रेस यूज फॉर कंप्रेसिंग कॉटन, कॉटन को दबाने के लिए उसको यूज किया जा रहा है, एरिया ऑफ पिस्टन हमें गिवन है। तो फिर से एक बार छोटा और बड़ा एरिया ले लेते हैं, ये मेरा एक पिस्टन है ये रहा, और ये एक और पिस्टन है ये रहा ऐसे। तो एरिया ऑफ पिस्टन गिवन है एंड फोर्स एग्जर्टेड अलॉन्ग द पिस्टन इज 200 न्यूटन। तो तुम 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो जहाँ पर एरिया कितना है, एरिया है 0.1 मीटर का स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं इफ द एरिया ऑफ द लार्जर सिलेंडर इज लार्जर, इस तरफ लार्जर है 0.8 मीटर का स्क्वायर है, तो कह रहे हैं फाइंड द प्रेशर प्रोड्यूस इन द सिलेंडर एंड टोटल क्रशिंग फोर्स। यहाँ पर ना कोई सिलेंडर लगा दिया, इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन जो है एंटर करेगा, इस कॉटन को क्या करेगा, प्रेस करेगा। तो पहले एक काम करो, पहले ना आप फोर्स निकालो। तो फोर्स निकालने के लिए F1 तो पता ही है, तो F1 डिवाइडेड बाय एरिया इज F2 डिवाइडेड बाय एरिया, ये लो F1 की जगह पुट कर दो 200, एरिया A1 की जगह पुट कर दो 0.1, एरिया A2 की जगह पुट कर दो 0.8, सॉल्व करके पहले तो F2 निकाल लो। तो F2 की वैल्यू चेक कर लो, 1600 न्यूटन आएगी, एक आंसर आ गया। फिर वो कह रहा है कि इस तरफ कॉटन पे प्रेशर कितना लग रहा है, हाँ तो प्रेशर लग रहा है ना, कितना लग रहा है प्रेशर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। वैसे तो कहीं से भी निकाल दो, पास्कल लॉ कहते हैं प्रेशर लेफ्ट और राइट पर सेम है, तुम कुछ भी निकाल दो, F1 by A1 कर दो या F2 by A2 कर दो, फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। तो निकाल देना, चेक कर लो प्रेशर कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है, चेक कर लो। ठीक, तो प्रेशर की वैल्यू यहां पर इसके इक्वल आ जाएगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे, क्या लॉजिक है इसका, पास्कल लॉ का। ठीक, बहुत ही अच्छी किस्मत है, मेंस और नीट में पास्कल लॉ भी क्वेश्चन देखे हैं मैंने, फोर्स बाय एरिया तो कांस्टेंट। अब इतनी अच्छी किस्मत मुझे पता नहीं कैसे आती है, बट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है किसी के सेट में, पर वो किसी और चैप्टर का मुश्किल आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिक टॉपिक है बहुत ज़्यादा, ऑटोमोबाइल बैक इज लिफ्टेड बाई हाइड्रोलिक जैक दैट कंसिस्ट ऑफ टू पिस्टन्स, दो पिस्टन्स हैं, द लार्ज पिस्टन इज 1 मीटर इन डायमीटर एंड स्मॉल इज 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो फिर से बना लेते हैं, ये लोग एक छोटा पिस्टन बनाते हैं, एक बड़ा पिस्टन बना लेते हैं, इसका रेडियस आर वन लार्जर का आर टू कितना गिवन है, 1 मीटर है, तो 1/2 मीटर है रेडियस, और ये एक 10 सेंटीमीटर है, तो ये इतने मीटर है। इफ डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द कार, तो यहाँ पर हमने डब्ल्यू वेट ऑफ द कार कर दिया, हाउ मच स्मॉलर अ फोर्स इज नीडिड, ताकि मैं कितनी फोर्स लगाऊं ताकि मैं इसको उठा दूं, एफ वन निकाल लें। तो लगा लो इसमें एफ वन डिवाइडेड बाई पाई इन टू आर वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टू डिवाइडेड बाई पाई इन टू आर टू का स्क्वायर। एफ वन मुझे निकालना है पाई इन टू 0.1/2 का स्क्वायर, एफ टू की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वेट, क्योंकि मुझे कितना उठाना है वेट डब्ल्यू, पाई इंटू आर टू की जगह 1/2 का होल स्क्वायर, निकाल लेना एफ वन की वैल्यू आ जाएगी, और कितने इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू तो वेट ही होता है ऑलरेडी, एम मास होता है, डब्ल्यू एम जी होता है, ठीक है।